हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल बायोकेमिस्ट्री फॉर नर्सिंग स्टूडेंट आज के इस वीडियो में हम न्यूट्रिएंट्स न्यूट्रिएंट्स और के क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस करें एक्चुअली न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ फूड है वजह से ऑप्टिमम हेल्थ और बॉडी का प्रॉपर फंक्शनिंग मेंटेन होता है उस केमिकल कॉम्पोनेट्स so, को हम बोलते हैं न्यूट्रिय न्यूट्रिय का मेन पर्पज और यूज क्या होता है न्यूट्रिय एनर्जी को प्रोवाइड करते हैं ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं बॉडी में जो डिफरेंट प्रोसेस होते हैं उसके लिए न्यूट्रिय चाहिए टिश्यू रिपेयर के लिए और ओवरऑल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए न्यूट्रिएंट्स का रिक्वायरमेंट एग्जाम्पल्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स कार्बोहाइड्रेट लिपिड्स प्रोटीन विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर न्यूट्रियेशन कर क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रिय न्यूट्रिय को हम डिफरेंट वेस में क्लासीफाई कर सकते हैं बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट सो एक दिन में उसका क्वान्टिटी कितना लेना है उसको लेकर हम न्यूट्रियस को क्लासिफाई कर सकते हैं एलिमेंटल कंपोजिशन को लेकर मीन्स उसमें जो कार्बन हाइड्रोजन होते हैं तो डिफरेंट एलिमेंट्स कम्पोजिशन को लेकर हम क्लासीफाई कर सकते और उससे जो एनर्जी मिलता है उस एनर्जी रिलीज के ऊपर भी हम न्यूट्रिएंट्स को क्लासीफाई कर सकते हैं so सो जब हम क्वांटिटी को लेके क्लासिफाई कर सकते हैं तो अपने न्यूट्रिएंट्स को माइक्रो न्यूट्रिय और माइक्रो न्यूट्रिय में क्लासीफाई कर सकते हैं तो माइक्रो न्यूट्रिय ऑलसो तो तो कल्ड एस मेजर न्यूट्रियो माइक्रो न्यूट्रिय क्यों बोलते हैं क्योंकि जब भी हम इस ग्रुप ऑफ न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं इसको क्वांटिटी ज्यादा होता है तो लार्ज क्वांटिटीज में जब हम एक न्यूट्रिएंट को लेते हैं उस उस न्यूट्रिएंट को हम बोलते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट न्यूट्रिय एनर्जी मिलेगा और इसमें जो इम्पोर्टेंट न्यूट्रंस होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स लिपिड्स एंड प्रोटीन माइक्रोन्यूट्रिय और माइनर न्यूट्रिय माइक्रोन्यूट्रिय माइक्रो माइक्रोमीन स्मॉल तो जब आप एक न्यूट्रेन को स्मॉल क्वान्टिटीज में लेते हो उस न्यूट्रिय को बोलते हैं माइक्रो माइक्रोन्यूट्रिय इसका यूज क्या होता है अगर माइक्रो न्यूट्रिय का प्रॉपर यूटिलाइजेशन बॉडी में होना है उसके लिए माइक्रो माइक्रोन्यूट्रिय चाहिए तो माइक्रो न्यूट्रिय रिक्वायर्ड फॉर रेगुलेशन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एग्जाम्पल्स विटामिन एंड मिनरल्स और एलिमेंटल कम्पोजिशन को लेके न्यूट्रिएंट्स को हम ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं तो ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स का मतलब जब एक न्यूट्रिएंट में कार्बन हाइड्रोजन एटम्स होते हैं हम तो बोलते हैं ऑर्गेनिक तो जनरल ऑर्गेनिजम्स ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को प्रोड्यूस कर एग्जाम्पल्स कार्बोहाइड्रेट्स लिपिड्स प्रोटीन एंड विटामिन एंडमिन इनऑर्गैनिक न्यूट्रिय न्यूट्रिएंट्स जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन नहीं होते हैं जो नॉन लिविंग सोर्सेज से हम लेते हैं फॉर एग्जाम्पल मिनरल्स लाइक कैल्शियम आयरन और तीसरा क्लासिफिकेशन होता है क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स ऑन एनर्जी एनर्जी न्यूट्रिएंट्स नॉन एनर्जी न्यूट्रिएंट्स एनर्जी न्यूट्रिएंट्स का मतलब न्यूट्रिएंट्स जो एनर्जी को रिलीज करते हैं मेटाबॉलिज्म में उसको हम बोलते हैं एनर्जी एनर्जीडिंग न्यूट्रिय कार्बोहाइड्रेट्स लिपिड्स एंड प्रोटीन नॉन एनर्जी न्यूट्रिएंट्स न्यूट्रिएंट्स जो एनर्जी को रिलीज नहीं कर सकते रिलीज नहीं करते बट एनर्जी हिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स का जो मेटाबॉलिज्म होता है उसमें चाहिए तो डायरेक्टली ये एनर्जी को रिलीज नहीं कर सकते उस कॉम्पाउंड को बोलते हैं नॉन एनर्जी एनर्जीडिंग न्यूट्रिएंट। एग्जांपल विटामिन एंड मिनरल्स